हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्नीशियन गोपाल जी पे। दोस्तों देख पा रहे हैं, आज हम लेके आ गए हैं एक मुर्गी फार्म पे, जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम अप्लाई किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह रहा हमारा समरसेबल लगभग 1 HP का, यहाँ से अंदर से कनेक्शन किया गया है। फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे निकाला गया है, ऊपर जा रहा है अंदर ले जाने के लिए। दोस्तों इसके जो कारीगर हैं अमित जी हैं, चलिए ले चलते हैं आपको अंदर और दिखाते हैं कैसे ऑटोमेटिक पानी सप्लाई के लिए बनाया गया है। यहाँ पे जितनी मुर्गियाँ यहाँ पे हैं दोस्तों रहेंगी, वो सब पानी जितना पियेंगे मतलब उस हिसाब से गिरेगा। इस देख रहे हैं बास्केट में, मैं आपको अभी इसका टेक्निकल नाम भी बताने का प्रयास करूंगा। देख पा रहे हैं इस तरह से बीच में स्टील वायर के सहायता से बांधा गया है इस पाइप को, जितने PVC पाइप यहाँ पे हैं। और ये जो आपको देख पा रहे हैं ऊपर, ये अमित जी हैं। मैं बता दूँ इस समय ये मार्केट में छाए हुए हैं और ये वायरिंग और प्लम्बरी के स्पेशलिस्ट हैं। आप कई जगह अगर यदि शहर में काम कर रहे होंगे, जो भाई जानते होंगे अवध कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है शहर में कॉलोनी बसाती है, अच्छे अच्छे बंगलोज बनाती है, उसके स्पेशलिस्ट रह चुके हैं, वायरिंग के बहुत बेहतरीन जानकार हैं। चलिए तो इनसे हम जानते हैं, अभी स्टेप बाय स्टेप यह बताएँगे टेक्निकल भाषा में इसका नाम क्या है, इसका प्रयोग क्या है और कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, और कैसे हम मुर्गी फार्म खोल के अपनी आय दोगुना कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों चलिए अभी हम पूरे जो ये आप मुर्गी फार्म का देख पा रहे हैं, जो अभी बना रहे हैं हमारे भाई अमित जी, अभी इनसे हम जानकारी लेते हैं इसमें कैसे कैसे प्रोसेस होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम कैसे लगता है। तो अमित भाई आप कहाँ से शुरू करेंगे? देख पा रहे हैं आप, ये सबसे पहले आपको समरसेबल दिखा रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ है, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप यह बताएंगे। ये GIT लगा हुआ है, ये GI निप्पल है, ये GI एल्बो है, यहाँ पे FPA लगा हुआ है, ये यूनियन है, इसके बाद सीधा कनेक्शन गया है अंदर। ये देख पा रहे हैं ये फुहारे के लिए ऊपर गया हुआ है, ये लाइन हो गया, एक लाइन अंदर गया हुआ है टंकी सप्लाई के लिए। चलिए भाई अंदर देखते हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पे भी कनेक्शन आया गया है, इमरजेंसी पानी के लिए है। और ये दूसरा वाला आगे एक टंकी और रखा हुआ है 1000 लीटर का, वहाँ पे जाएगा पानी। वो आप सामने जो ये एल्बो देख पा रहे हैं, चलिए दोस्तों अभी हम अंदर आ जाते हैं। देख पा रहे हैं अमित भाई ये कितने लीटर की टंकी है? 500 लीटर। ये 500 लीटर की टंकी आप देख पा रहे हैं अभी यहाँ पर डाला गया है। और अभी हम आगे यहाँ पर आपको बताएंगे, जो आप देख पा रहे हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देख पा रहे हैं जो लटक रहा है इसे हम ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम या टप कहते हैं। इसमें मैं आपको बता दूँ, इसकी जो सिस्टम है ये पंप पे है, जितना पानी इसमें भरा जाएगा, जितनी मुर्गियाँ पी लेंगी उतना ये भरेगा बस, मतलब इसमें से बाहर पानी गिरेगा नहीं। तो अमित भाई अभी आप टंकी से शुरू करेंगे, देख पा रहे हैं वहाँ से टंकी पर जो पानी समझे बस टंकी में आ रहा है, वहाँ से फिर इसे घूमते हुए इस पाइप में आ रहा है। अमित भाई भी आपको बताएंगे इसे क्या क्या कहते हैं, कैसे हम सेट करते हैं। ये UPVC पाइप है और ये ब्रास टी बोलते हैं इसको, ये निप्पल है जो पानी यहाँ से कम करेगा इस पाइप के लिए, पतला करेगा, रिड्यूसर टाइप में काम करता है। और ये पाइप है, इसमें कनेक्ट है, ये वाटर टप है। तो अमित भाई आप कितने फीट, मतलब क्या कितना इसका लेंथ कितना है? 150 फीट है, 150 फीट लंबा है। इसमें हम कितना बच्चा छोड़ सकते हैं? 4200-4500 बच्चा छोड़ सकते हैं हम इसमें, 4200-4500 चूजे छोड़ सकते हैं। अब देख पा रहे हैं और बहुत ही अच्छे कारीगर हैं ये, और 150 में 60 वाटर ऑटोमेटिक वाटर टप लगाया जा सकता है 150 स्क्वायर फीट में। 150 स्क्वायर फीट में 60, ये जो आप देख पा रहे हैं लटक रहा है टप, 60 लगा सकते हैं, इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर नहीं, ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। बहुत अच्छी, मैं आपको बता दूँ, ये देख पा रहे हैं आप ऊपर GI वायर से पाइप बीच में लटकाया गया है, ये पाइप PVC
थोड़ा अंधेरा है इसलिए अच्छा दिख नहीं रहा है, फिर भी आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। देख पा रहे हैं कितना बड़ा है ये दोस्तों, आप इसमें अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। और यदि आपको इस तरह से मुर्गी फार्म बनवाना है तो आप संपर्क करें हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप कमेंट करें टेक्नीशियन गोपाल जी के नाम पर। मुझे आ गया है और ये बगल में मैं आपको दिखा दूँ, यह लगा हुआ है दोस्तों जाली, इसके पीछे फिर एक मच्छरदानी वो लगा हुआ है लालोन का। उसके बाद दोस्तों ऊपर अभी छत पे जिससे आपको देख पाएंगे, चल के दिखाऊंगा, वहाँ पे वाटर फुहारा टाइप में लगा हुआ है जो कि फुहारा देगा, फिरिंगी जिसे कहते हैं, वह फुहारा देगा ऊपर जिससे गर्मी नीचे का टेम्परेचर कम किया जा सके। चलिए दोस्तों चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बाहर आ गए हैं, जो कनेक्शन आपको मैं दिखाया था दूसरा एक निकाला गया है, ये पीछे टंकी रखी गई है, रिलायंस पाइप मारा गया है, देख पा रहे हैं चूड़ा, ये अमित भाई दिखा रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं ऊपर, अब आपको फिरिंगी दिखाएंगे जो कि छिड़काव, जैसे कि आप खेती में जो यूज करते हैं आप देखे होंगे, तो ये फार्म में भी यूज होता है। और आपको बता दूं वह गर्मी के दिनों में जब चलाया जाएगा फिरिंगी, या जो उसे कहते हैं, अभी बताएंगे अमित भाई, देख पा रहे हैं कितना बड़ा है, अभी मैं आपको इधर से दिखाना चाहूँगा, देख रहे हैं। तो देख पा रहे हैं अमित भाई भी चढ़ रहे हैं, यही होता है सिस्टम मिस्त्री भाइयों काम करने का। अमित भाई हमारे यूवी चढ़ने में बहुत एक्सपर्ट हैं, कहीं भी चढ़ जाया करते हैं, देख पा रहे ऊपर चढ़ गए हैं, फिर चलिए हम भी चढ़ जाते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं लास्ट में अभी हम आ ही गए ऊपर, देख रहे हैं आप, ये अमित भाई से क्या कहते हैं, फिरिंगी फुहारा देता है, या फिरिंगी है, जब सप्लाईज में आएगा तो ये इस तरह से मूवमेंट करेगा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, चारों तरफ 5 फीट रेंज, 5 फीट रेंज लेके चारों तरफ ये छिड़काव करेगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पूरे पत्रे पे यहाँ से देख लास्ट है, यहाँ पिंड लगा हुआ है पूरा, आप जहाँ तक देख पा रहे हैं वहाँ तक यह लगाया गया है। टोटल ये 150 फीट में कितने फिरिंगी का प्रयोग किया गया है अमित भाई, 15 पीस फिरिंगी, मैं आपको बता दूँ ये फिरिंगी है, 15 पीस प्रयोग किया गया है। तो